बची हुई रोटी या बासी रोटी से आज हम आपको इतना अमेजिंग स्नैक सिखाने जा रहे हैं कि आप भी बोलेंगे वाह क्या बात है, ये रेसिपी तो हमने कभी सुनी ही नहीं। हम बता रहे हैं बची हुई रोटी का समोसा विद दिस लवली मॉम एंड आर फाउंडर ऑफ जायका का तड़का में आप सभी का स्वागत है। सो मॉम, आज बनाएं बची हुई रोटी का समोसा। झटपट बनने वाला और टेस्टी भी बहुत होता है ये। बहुत टेस्टी होता है, चाय के संग गर्मा गर्म इसको सर्व करिए। विदाउट फ्राइंग है तो आप कभी भी गिल्ट फ्री इसको खा सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज ले सकते हैं, स्नैक्स में काम में, कोई गेस्ट आ जाए आपके पास चपाती पड़ी आलू पड़ा हुआ है तो फटाफट इसको खिला सकते हैं। सो बनाते हैं रेसिपी, आइए। तो सबसे पहले मैंने ये दो बॉइल्ड आलू है इनको पील करके बारीक इसको मैश कर लिया है। ये चॉप अनियन है, बारीक चॉप अनियन है, ये 2 से 3 टेबल स्पून। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आप अनियन को। अब इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूं मैं, एक ग्रीन चिली है जो बारीक चॉप की हुई है, ये 1/2 इंची अदरक का टुकड़ा है ये ग्रेट की हुई है वो डाल रही हूँ। कुछ इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ। अब मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ इसमें, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है 1/4 टीस्पून, और ये काला नमक है 1/4 टीस्पून। कुछ इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ क्योंकि आलू में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। ये लेमन जूस डाल रही हूँ आधा, ताकि अपना टेस्ट थोड़ा सा इसका बेटर हो जाए। अब इसमें मैं ये चीज है मोजरेला चीज, जो भी आपके पास चीज है वो उसको ग्रेट करके मैं ये इसमें थोड़ा सा, मच बेटर हो जाएगा इसका फ्लेवर, बच्चे हो बट ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है बिल्कुल। अब हम इसको हाथ से मैश कर लेंगे थोड़ा सा मसाले को, और हाथ से करने में इसका टेस्ट और ज्यादा भर जाता है। इनफैक्ट 4 चांद लग जाते हैं अगर एक मॉम बना रही है। मॉम का तड़का भी लगता है, प्यार का तड़का भी लगता है, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि अनएडिटेड वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं मॉम्स के द्वारा, उनकी जो रोजमर्रा की रेसिपीज वो बनाती है। देखिए बची हुई रोटी का समोसा क्या क्रिएटिव रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये 2 लेफ्ट ओवर रोटी है, ये बची हुई रोटी है मेरे नाइट की, तो इसको मैं अब ये देखिए इसको एक फोल्ड ऐसे करेंगे आप और फिर एक फोल्ड ऐसे कर लीजिए, ये देखिए। अब इसमें मैं अब ये मसाला फिल कर रही हूँ, अब ये दूसरी साइड भी अपन मसाला फिल कर रहे हैं इसमें। अब इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके और यूं प्रेस कर देंगे। वाओ अमेजिंग, थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा फिल कर लीजिए ऊपर तक। अमेजिंग है, इतनी क्रिएटिविटी मॉम आपको आती कहाँ से है कि बची हुई रोटी का भी आप समोसा बना सकते हैं। अच्छा आप ये बटर ऑयल घी किसी में भी आप कर सकते हैं इसको। अब हम कुक करेंगे, अच्छे से फिल करिए, गर्मा गर्म चाय के संग आप इसको कभी भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए अब मैं एक और अमेजिंग दूसरा आप देखिए। अच्छा स्टफिंग आप कोई भी इसमें और भी वेजिटेबल डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं, जो बच्चे आपके निकालते हैं और आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो आप सब इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए अब आपके गर्मा गर्म समोसे रेडी हो रहे हैं, समोसे की शेप में बिना फ्राई करे हम आपको तवे पे बनाना सिखा रहे हैं। रोटी के संग गिल्ट फ्री होके कभी भी कहीं भी खाइए इसको। इनफैक्ट बची हुई रोटी को लंच में जो आप रोटी बनाते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, डिनर में रोटी झटपट बन जाती है। राइट मॉम, 2 रोटी बनाइए फटाफट, बॉइल आलू नहीं तो आप फ्रेश रोटी बना के बना लीजिए। हाँ रोटी सब्जी दोनों ही कॉम्बिनेशन है, रोटी सब्जी दोनों ही जा रही है इसमें। वाओ अमेजिंग मॉम, इतनी क्रिएटिविटी, सीरियसली आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, कितनी क्रिएटिविटी होती है मॉम्स के पास। ये रेसिपी सिर्फ मॉम्स ही बता सकती हैं क्योंकि वो रियल में सबसे अच्छी शेफ्स होती हैं। देखिए अब आपका ये समोसा सिक रहा है। मॉम ये कौन सी फ्लेम पे सेकना है? मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो।
तो अच्छा क्रंची हो जाएगा, ये क्रंची होगा तो बिल्कुल समोसे जैसा क्रंचीनेस आएगा इसमें। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अच्छे से इसको सेकिए आराम से मीडियम से लो फ्लेम में। ये देखिए इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है समोसे का अपना। देखिए जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं मॉम्स की किचन्स में जाके। अमेजिंग मॉम, तो देखिए हमारा समोसा रेडी हो चुका है। कौन कौन आज बनाने जा रहा है कमेंट्स में बताइए। आपके गर्मा गर्म समोसे इज रेडी। इसको अब हम सर्व करेंगे। वाओ मॉम, और इसको एक बार मैं सीधा भी दिखाना चाहूंगी। देखिए समोसे की शेप में मॉम ने आपके लिए रखा हुआ है। देखिए अब कौन बोल सकता है कि ये रोटी के समोसे हैं। गर्मा गर्म इसको चाय के संग फटाफट देखिए 5 से 7 मिनट में बन जाएंगे आपके, सिक जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ताकि सॉस भी इसमें साथ में रहेगा तो टेस्ट में अच्छा लगेगा। और ये जीरो सेव है, नंबर की सेव है। अमेजिंग, ये देखिए से देखिए गार्निश चार चांद लग जाते हैं, टेस्ट भी अच्छा। इनफैक्ट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। फिलिंग देखिए, फिलिंग के संग कितना अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म समोसा इज रेडी विद दिस लवली मॉम है। एकदम शानदार समोसे आपके रेडी हैं। इसको कहीं भी कभी भी बनाइए और खाइए इसको अपने फैमिली मेंबर्स के संग। अच्छे तो लग ही रहे हैं। मैं हमेशा से देखिए समोसे शेप में, एकदम समोसे शेप में लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मॉम फॉर दिस लवली रेसिपी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस रेसिपी को, और जायका का तड़का में वापस आते रहिए क्योंकि हम आपको अमेजिंग रेसिपीज दिखाते रहेंगे। देखते रहिए जायका का तड़का को। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं दोबारा। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय।